तो प्यार हमारा बाबा से है। तो बाबा ने लास्ट मुरली में भी कहा, तो जिससे प्यार होता है उसको प्यार का रिटर्न जरूर किया जाता है। तो बाबा हमारा क्या रिटर्न चाहता है? बाबा ने भी लास्ट मुरली में सुनाया है कि बाप दादा रिटर्न यही कहते हैं कि बाप समान बनो, और कुछ बाबा को रिटर्न नहीं चाहिए। चाहे निराकार शिव बाबा को, उसको कौन सी पुरानी दुनिया की क्या चीज़ देंगे, और ब्रह्मा बाबा भी फरिश्ता बन गया, तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रूप में भी कोई ऐसी आवश्यकता ही नहीं है कोई चीज़ों की। बस बाबा को अगर रिटर्न चाहिए, बाप समान बन जाओ, अर्थात बाबा कहते हैं तुम मेरे दिल में रहो और मैं तुम्हारे दिल में रहूं, बस यही रिटर्न बाबा को चाहिए। क्योंकि जहां दिल होती है ना, वहां दिमाग भी ऑटोमेटिक जाता है। अगर शरीर में देखा जाए तो दिल और दिमाग दो चीजें ही विशेष है, उससे कनेक्शन है सबका। तो जहां दिल होगी वहां दिमाग भी जाएगा। इसीलिए बाबा कहता है बस एक ही दिल मेरे को दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिल में मेरे को बिठाओ और अपने को बाबा के दिल में बिठाओ। तो ये मुश्किल है क्या? हाँ? अगर मुश्किल नहीं है तो हमारे दिल में और कोई बात नहीं, कभी डिस्टर्बन नहीं। बाबा बैठा है वहां क्या डिस्टर्बन होगा? कहते जहां भगवान है वहां सब कुछ प्राप्त है। तो जब बाबा दिल में बैठा है तो और है ही क्या। तो ये हमको सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि सचमुच मेरे दिल में निरंतर बाबा रहता है? अगर दिल में कोई बात आएंगी तो दिमाग में भी आएंगी। अगर दिल में बाबा ही है, बाबा है माना बाबा की याद है, तो और याद उसके आगे कुछ भी नहीं है। जैसे अगर ज्यादा पावर का कोई बल्ब जग रहा है, उसके साथ में छोटे छोटे बल्ब हम भले कितने भी लगा लें, लेकिन जो पावरफुल बल्ब है, लाइट है, उसके अंदर वो सब छिप जाएंगी। उसका ही प्रभाव होगा जो पावरफुल बल्ब होगा। तो चाहे छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे बल्ब, बातों की रोशनी बीच बीच में आवे भी, लेकिन वो प्रभाव नहीं डालेंगे।